दोस्तों, गेम्स खेलना तो हम सबको पसंद है और आई एम श्योर कि आप अपने फ़ोन में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑनलाइन गेम्स खेलते ही होंगे, जैसे कि पबजी है, फोर्टनाइट है और फ्री फायर है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑनलाइन गेम्स आप खेलते ही होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कोई ऐसे रीजन में चले जाते हो जहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता है, या वहाँ पर अगर आपको टाइम पास करना है तो आप क्या खेलोगे। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए मैं आज आपको चार ऐसे गेम्स बताने वाला हूँ जो कि आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स हैं ये, तो या आज के वीडियो का पूरा देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुनील, आप देख रहे हो टेक एमएस। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज जो भी चार गेम्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सब के सब आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, फ्री है वो सब के सब गेम्स, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप डायरेक्टली वो गेम्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले गेम से। तो जो सबसे पहली गेम है उसका नाम है स्टैक, और ये गेम में आपको क्या करना होता है कि आपको एक टाइल मिलेगी नीचे, और वही टाइल के ऊपर आपको दूसरी टाइल रखनी है, मतलब जो दूसरी टाइल होगी वो ऊपर फ्लोट होती रहेगी और आपको उसको एग्जैक्ट वही टाइम पर टैप करना है जब वो जो नीचे वाली टाइल है उसके साथ मैच हो जाए, तो बाद में वो वहाँ पे लॉक होके वहाँ पे रह जाएगी, बाद में नई टाइल आएगी, बाद में आपको उसको उसके ऊपर रखना है। ऐसे ही करते करते आपको एक के ऊपर एक टाइल्स को रखते जाना है, और अगर आपकी टाइल का जो थोड़ा सा भी पोर्शन बाहर रह जाता है तो उतना पोर्शन कट हो जाएगा, तो बाद में वो टाइल छोटी हो जाएगी, तो बाद में और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही करते 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 आपको एक बड़ा सा ढेर बनाना है, एक बड़ा सा स्टैक बनाना है टाइल्स का, और जब आपकी जो पूरी पूरी टाइल है वो बाहर चली जाएगी एरिया के, तब आपकी गेम ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको जितनी आप टाइल्स रखोगे उतने ही आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, और बाद में आप ऐसे ही अपने नए नए रिकॉर्ड सेट कर सकते हो। जैसे जैसे आप जितनी टाइल्स एक के ऊपर एक सेट कर पाओगे उतने ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो या ये काफ़ी अच्छी गेम है और काफ़ी टाइम पास गेम है, अगर आपको टाइम पास करना है, कुछ है नहीं करने के लिए, बहुत बोर हो रहा है, तो ऐसे में आप ये गेम को खेल सकते हो। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको मज़ा आएगा, मुझे तो काफ़ी पसंद है ये गेम। और इसके बाद अगर हम बढ़े हमारी सेकंड गेम की तरफ, तो जो सेकंड गेम है उसका नाम है स्टिक मैन हुक, और ये काफ़ी कुछ स्पाइडरमैन या टार्जन जैसे गेम है, ये भी काफ़ी अच्छी गेम है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक छोटा सा डॉट मिलेगा, और जैसे ही आपका जो प्लेयर है, जो आपका कैरेक्टर है, वो डॉट के पास में आएगा तो आपको स्क्रीन पर टैप करना है, तो वहाँ पर एक रस्सी लटकेगी और बाद में उससे जो आपका कैरेक्टर है वो स्विंग होकर आगे जाएगा, और ऐसे ही करते करते आपको अपने कैरेक्टर को आगे लेके जाना है और फिनिश लाइन के पार लेके जाना है। तो ये भी काफ़ी अच्छी गेम है, काफ़ी चैलेंजिंग है, इसमें जैसे जैसे आप आगे जाओगे और भी टफ लेवल्स आपको मिलते जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी टाइम पास और काफ़ी चैलेंजिंग गेम है। इसको आप ज़रूर से ट्राई करना, आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ये भी ऑफलाइन गेम है और इसमें आपको बीच में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, जो कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको ब्लॉक कर देंगे आगे जाने से, तो आपको उन सबको पार करते हुए ये लेवल को ख़त्म करना होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी फन गेम है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करना, मुझे तो काफ़ी पसंद है ये गेम। और इसके बाद अगर हम बढ़े थर्ड गेम की तरफ, तो जो थर्ड गेम है उसका नाम है क्रॉसी रोड, और ये गेम में आपको क्या करना होता है कि आपको एक चिकन मिलता है, आपको एक मुर्गी मिलती है, आपको उसको रोड क्रॉस करवाना है, बस आपको यही करना है। और सुनने में तो ये काफ़ी इजी लगती है गेम, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी टफ गेम है, काफ़ी मज़ेदार गेम है, क्योंकि इसमें जो गाड़ियाँ हैं वो कभी भी किधर से भी आती रहती है, तो आपको पता नहीं चलता कि आपको कैसे अपने जो चिकन है, जो आपके हैन है, उसको रोड कैसे क्रॉस करवाना है आपको पता नहीं चलता। तो ये भी काफ़ी अच्छी गेम है, और ट्रस्ट में आपको देखने पर इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगेगा, लेकिन जब आप खेलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी टफ़ और काफ़ी अच्छी गेम है। तो इसको भी आप ज़रूर से ट्राई करना, जितने रोड्स आप क्रॉस कर पाओगे उतने ही ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसमें भी आप अपने ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ चैलेंज लगवा सकते हो कि कौन ज़्यादा पॉइंट्स अर्न कर सकता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी गेम है, ये भी ऑफलाइन ही है ऑब्वियसली, तो इसको भी आप ज़रूर से ट्राई करना। और इसके बाद हम बढ़े अगर हमारी लास्ट गेम की तरफ, तो उसका नाम है वॉय, या फिर आप कह सकते हो VOI। तो ये भी बहुत ही अच्छी गेम है, इनफैक्ट ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये चारों गेम्स में से, मैं इसको सबसे ज़्यादा खेलता हूँ। और ये गेम में आपको बेसिकली करना क्या होता है कि ये गेम में आप बस एक चीज़ याद रखना, ब्लैक प्लस ब्लैक इज इक्वल टू वाइट। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जब आप दो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स को एक के ऊपर एक रखोगे तो वो वाइट कलर के हो जाएंगे, और ऐसे ही आपको ऊपर एक छोटी सी डिज़ाइन दी गई होगी, वैसे ही सेम डिज़ाइन आपको नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए होंगे, उसको एक के ऊपर एक रख के बनानी होती है वो डिज़ाइन। तो शुरुआत में तो ये काफ़ी ईजी होती है गेम, लेकिन जैसे जैसे आपके लेवल्स आप पार करते जाओगे वैसे वैसे ये गेम टफ होती जाएगी, और ट्रस्ट मी अभी आपको देखने में ये गेम काफ़ी इजी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको डाउनलोड करके खेलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये इतनी इजी गेम नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गेम है।
तो या ये भी काफ़ी बढ़िया गेम है। इनफैक्ट मैं सबसे ज़्यादा यही गेम को खेलता हूँ जब मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता या मुझे ऑफलाइन कोई गेम खेलनी पड़ती है, तब मैं यही वाली गेम को खेलता हूँ। स्टार्टिंग में आपको ये गेम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन एक बार जैसे आप इसके जो खेलने की स्ट्रेटजी है, जो ट्रिक है इस गेम की, वो आप सीख लोगे, बाद में आपको ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। हाँ, मतलब इतनी ईजी भी नहीं है, बट आपको एक बार अगर स्ट्रेटजी पता चल गई तो आप जल्दी जल्दी से इस गेम को समझते जाओगे और ऊपर जो डिज़ाइन दी गई है उसको जल्दी से अचीव कर पाओगे। तो या ये थी वो चार गेम्स जो कि आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो, और ये काफ़ी बढ़िया लगी मुझे गेम्स, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये चारों गेम्स को शेयर करता हूँ। तो या अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इन चारों गेम्स में से कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद आई, और अगर आपके पास कोई ऐसी गेम है जो कि आप ऑफलाइन खेलते हो तो आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट करके वो बताना, ताकि मैं भी वो खेल के ट्राई कर सकूँ। सो या बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो जाके कुछ और वीडियोस देखो मेरे, अच्छे लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ सबको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इसके बाद अगर हम बढ़े थर्ड गेम की तरफ, तो जो थर्ड गेम है उसका नाम है, क्या नाम था,